हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी एचजी क्लासेस। तो देखो, सबसे पहले तो भाई आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई होप कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है ना। आपके हेल्थ बढ़िया रहे, पढ़ाई में दिमाग लगा रहे, ठीक है ना। चलो, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स कंप्लीटली खत्म कर देंगे पूरा, है ना। जिसने अभी तक इस चैप्टर को छुआ भी नहीं है, इस बात की श्योरिटी कि अगर वो उसको पूरा देख लेगा वीडियो को, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। देखो, चैप्टर तो करेंगे, है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा किस क्या टारगेट है ना, क्या टारगेट है हमारा, मतलब कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा थोड़ी कि मैं चैप्टर की वेटेज है भाई 5 नंबर की, उस चैप्टर को मैं करे ही जा रहा हूं, उसका कोई फायदा थोड़ी है। तो देखो, मैंने थोड़ा एनालिसिस करा है ना, एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि भाई सीबीएसई के ब्लूप्रिंट को, है ना, जो सैम्पल पेपर जो रिलीज करा था उसका, मैंने आपको रियल नंबर में भी बता दिया था उसमें कि भाई किस किस में आएंगे, 1+1+3 रियल नंबर के हो गए, मतलब एक नंबर और 3 नंबर, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो जो हमारा डिलीटेड सिलेबस है ना, उस पर हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, जो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ठीक है। चल, डिलीटेड एक्सरसाइज हमारे पास है 2.3 और 2.4, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दैट मीन्स हमको डिविजन वाले नहीं करना है, डिविजन एल्गोरिथम हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा, क्यूबिक वाले क्वेश्चंस भी हमारे सिलेबस में नहीं आने वाले हैं ना। तो हमको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक पर बेस्ड ही होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन एज पर सीबीएसई ब्लूप्रिंट है ना, कि किस तरीके से उन्होंने अपने सैंपल पेपर के अंदर दिए थे, दोनों सैंपल पेपर के अंदर। तो स्टैंडर्ड के अंदर उन्होंने 1+3 फॉर्म में दिए, मतलब 1 मार्कर क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए में उन्होंने 1 क्वेश्चन डाला हुआ था, सेक्शन सी में भी उन्होंने 1 क्वेश्चन डाला हुआ था। स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए सेम पैटर्न, दैट मीन्स चैप्टर कितने मार्क का हो गया, चैप्टर 4 मार्क है, रियल नंबर 5 का हो गया और ये हो गया 4 का, ये दोनों कंप्लीट, तो 9 नंबर कंप्लीट। और बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक्स हैं ये, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। हम एक शॉर्ट वीडियो करेंगे, है ना, 1 शॉर्ट वीडियो, और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं हमारे, एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर के, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। मैथ एक ऐसी चीज है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा शार्प होगी, ये बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का ध्यान रखते रखते हम आज की इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वाली बात को चाहो तो आप नोट कर सकते हो, उसके बाद शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए भाई, शुरू करते हैं चैप्टर, है ना, चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, सारी जितनी भी नॉलेज है सारी गेन कर लेंगे, जो हमारे बोर्ड के पर्सपेक्टिव्स है ना, करने को तो बहुत सारी चीजें हमको इसके अंदर पढ़नी है ना, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये है, है ना, कि 12 बजे ही वीडियो बना रहा हूं, है ना, तो पहली वीडियो है 2023 की हमारी, ठीक। चलो, पहली बात आती है ना पॉलीनोमियल से, पहले सबसे पहले बात आती है किसकी, वेरिएबल की, कि भाई वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वैरी करे, मतलब जिसके अंदर वैरायटीज हो, मतलब डिफरेंट है। तो बेसिकली ये वो वैल्यूज होती हैं जो मुझको पता नहीं है अभी, है ना, और मेरे क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो फाइंड करूंगा मैं, है ना, उसकी कुछ ना कुछ डिफरेंट वैल्यूज आने वाली है। तो वो जो मेरे को पहले से नहीं पता, जो मुझको पहले से नहीं पता है, जनरली हम इसको अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर से, लाइक ABCDEFGH, है ना, XYZ, दीज आर वेरिएबल्स, जो वेरी करें, जो बदलते रहे, है ना, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इन शॉर्ट, है ना, नो फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है ना। जनरली हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फाबेट्स, है ना, अल्फाबेट्स। बट मैं ये भी कह सकता हूं ना कि और स्पेशल कैरेक्टर से भी, स्पेशल कैरेक्टर्स कह रहे हो आप उनको, या फिर आप ग्रीक अल्फाबेट्स कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, है ना। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे ए, है ना, बी सी जेड तक कोई ऐसे वैल्यू लिखी हुई है, तो वो क्या है, वो वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, वो मुझे पता नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब तो मुझे पता चलेगा क्या था, ना, और वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा, है ना, हर क्वेश्चन के लिए अलग। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
कि भाई स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं है ना, या फिर मैं ग्रीक लेटर्स भी कह देता हूँ इनको, ग्रीक लेटर्स भी, जैसे अल्फा भी देखा है आपने, बीटा देखा है, गामा देखा है ना, एटसेट्रा। दीज आर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, फिक्स नहीं है, सिंपल बात ये है और कुछ नहीं है। सेकेंड आता है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब जो हमेशा फिक्स हो गया है, हमेशा के लिए फिक्स हो गया है इसकी वैल्यू ना, जो बदल नहीं रहा है, तो है ना फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी है हमेशा के लिए, जिसकी वैल्यू फिक्स कर दी है हमेशा के लिए। साफ साफ लिखते हैं थोड़ा, है ना, एग्जांपल के लिए, या फिर मैं बोलूंगा कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय क्या हो जाते हैं, नंबर्स। जो नंबर्स हैं मेरे पास वो क्या होंगे, वो कांस्टेंट होंगे ना। एग्जांपल मैंने लिया 5, भाई ये 5 सबके लिए 5 है, हर क्वेश्चन में अगर लिखा है तो हर क्वेश्चन में ये 5 ही है, 10 माइनस 3 एटसेट्रा, इनफाइनाइट हो सकता है, ये चीज क्लियर है। तो ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है टर्म, है ना, टर्म। तो टर्म क्या है बेसिकली, जब मैं इन्हीं दोनों को कंबाइन कर दूं, है ना, वेरिएबल को और कांस्टेंट को कंबाइन कर दूं, इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो मेरे को रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो रिजल्ट कहलाया जाएगा टर्म, है ना। सो मैं बेसिकली ये भी कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, बात समझ में आई, है ना। तो एग्जांपल के लिए मैं बोलूंगा, है ना, एक वेरिएबल एक्स ले लिया, मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट मैंने 10 ले लिया, सो इसका जो रिजल्ट आएगा 10x, दिस 10x इज व्हाट, ये टर्म कहलाई जाएगी, है ना, ये क्या कहलाई जाएगी, टर्म। और इस टाइम ये जो 10 पहले कांस्टेंट था, इस टाइम ये जो 10 है अब कहलाया जाएगा कोफिशिएंट, क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, इस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो कोफिशिएंट कहलाया जाएगा इस बार, पहले उसका नाम क्या था, कांस्टेंट था, ठीक है ना। तो जैसे ही टर्म में आ गया अब मैं इसको कोफिशिएंट कहूंगा, अरे तो कोई अलग बात नहीं है। नेक्स्ट आता है जी एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्या आता है, एक्सप्रेशन, है ना। तो देखो पॉलीनोमियल पढ़ रहे थे, अभी तक पॉलीनोमियल पर पहुंचे ही नहीं है, उससे पहले ये सब पढ़ना जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, तो देखो बेसिकली क्या हो गया, वेरिएबल है जो चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज होता रहेगा ना, डिफरेंट वैल्यूज हमको पता नहीं है, कांस्टेंट है जो कभी भी चेंज नहीं होगा जिसकी फिक्स वैल्यू है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो टर्म है, तो हम एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, अगर उन्हीं टर्म्स को मैं एक साथ में लिख दूंगा, है ना, जो टर्म्स फॉर्म हो रही हैं उनको एक साथ में लिख दूंगा यूजिंग सम ऑपरेटर्स, है ना, और ऑपरेटर्स क्या है वो प्लस और माइनस, टर्म्स को प्लस माइनस करके अगर मैं लिखता हूं तो जो फॉर्म आती है उसी को मैं एक्सप्रेशन कहता हूं, है ना। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, मैं कह सकता हूं कॉम्बिनेशन of terms, है ना, separated by, है ना, addition और subtraction। आप separated भी कह सकते हैं, फिर आप कह भी सकते हो कि भी combine भी कर दे, कुछ भी कह सकते हैं। example लेकर बता देता हूं, जैसे मैंने बोला x square 7x 10, ये क्या कहलाएगी, term, मैंने इनको कंबाइन कर दिया, मतलब एक साथ लिख दिया, है ना, ऐसे और ऐसे, तो ये पूरा क्या कहलाया जाएगा इस वक्त, ये पूरा एक एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा, वहीं पर सेपरेटली ये उसकी एक टर्म है, ये उसकी एक टर्म है, ये उसकी एक टर्म है, तो तीन टर्म्स होंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 7x इंटू 10, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म है यहां पर फिलहाल के लिए, है ना, बात समझ पा रही है। तो अगर प्लस माइनस अगर होगा, है ना, प्लस माइनस अगर होगा तो वो एक टर्म कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। यहां पर नोट करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सारे नोट करने, बट स्टार लगाकर जो मैं बोल रहा हूं कि पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो जाए, मतलब यहां पर जो वेरिएबल लिखे हुए ना एक्स वाई जेड जो भी है, उनकी पावर कुछ भी नंबर हो सकती है, उनकी पावर कुछ भी नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ये नोट करना है क्योंकि जब पॉलीनोमियल पढ़ेंगे अभी इसके बाद तो समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है,
कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा भाई x, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन होगी, लेकिन चेक कैसे करूंगा पहले तो देखो, मेरे को चेक कर क्या करना है, मुझे इसको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा पहले, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर का साइन बदल जाएगा तो माइनस वन, तो ये एक एक्सप्रेशन कंसिडर होगा, है ना। मैंने बोला थ्री रूट टी प्लस फोर, क्या ये एक्सप्रेशन है? बिल्कुल हाँ। वेरिएबल की पावर यानी कि ये क्या है, यह है थ्री टी की पावर वन बाय टू प्लस फोर, तो जो पावर है वो एक रियल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा। बात समझ में आई? तो वेरिएबल जिसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, जो बदलता रहेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देगा मेरे को, कैसे डिनोट करते हैं, अल्फाबेट से या फिर स्पेशल कैरेक्टर से। कॉन्स्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू कर दी है, जनरली हम इनको नंबरों से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज टर्म, उसमें जो मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ वो कोफिशिएंट कहलाया जाएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल का। एक्सप्रेशन अगर उन टर्म्स को इकट्ठा करके रख दूं, है ना, और कैसे सेपरेट करूंगा, किससे, प्लस या फिर माइनस से, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन होगा उसकी जो पावर है वो एक रियल नंबर होनी चाहिए, पॉइंट में हो सकती है, रूट में हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, निगेटिव में हो सकती है। ये बात समझ में आई? तो ये चार बातें हैं, है ना, इन बातों को फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं पॉलीनोमियल पर। चलो अब आते हैं पॉलीनोमियल पर ना, तो पॉलीनोमियल क्या है ना, है ना, पॉलीनोमियल देखो बेसिकली अगर मैं इसके सिर्फ नाम पर जाऊं, है ना, सिर्फ नाम पर अगर मैं इसके जाऊं तो पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का रिप्रेजेंट करता है मैनी को, और नॉमियल्स किसको रिप्रेजेंट करता है ना, टर्म को, तो जिसके अंदर मैनी टर्म्स होती हैं, है ना, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वो एक पॉलीनोमियल कंसीडर होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, तो उनको पढ़ेंगे। बट यहां पर मैं बात करूंगा पहले किसकी, एक्सप्रेशन के पर्सपेक्टिव से ना, एक्सप्रेशन के से रिलेट करके अगर पॉलीनोमियल को कहा जाए तो वो क्या होगा। तो देखो पॉलीनोमियल एक एक्सप्रेशन ही होता है, पॉलीनोमियल एक एक्सप्रेशन ही है, बट एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन है ना, तो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, बट एक कंडीशन लग जाती है ना, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। इसलिए मैंने वहां पर मार्क करवाया था कि अगर किसी भी, है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में पावर सिर्फ होल नंबर होगी वेरिएबल की तो वो एक पॉलीनोमियल कंसीडर होगा, अगर पावर होल नंबर ना हो के सिर्फ रियल नंबर है, यानी कि पॉइंट में है, नेगेटिव में है, तो वो जस्ट एक एक्सप्रेशन होगा। पॉलीनोमियल में होने के लिए पावर होल नंबर ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉइंट में नहीं हो सकती है, एक्सप्रेशन में पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। बात समझ में आई? ये एक मेजर डिफरेंस है ना, तो पॉलीनोमियल है तो एक एक्सप्रेशन ही, बट एक स्पेशल टाइप का, है ना। मैं एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं, है ना, तो देखो एक एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं आपको क्वेश्चन आया, है ना, क्वेश्चन आया क्या, कह रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। तो देखो इसको सॉल्व करूंगा कैसे, ये जो है ये ऊपर जाएगा पहले ना, इसको न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर में लेके गया तो पावर नेगेटिव हो गई, पावर का साइन बदलता है रेसिप्रोकल करने पर, पावर आ गई माइनस टू, पावर आ गई माइनस टू, माइनस टू क्या है, क्या एक होल नंबर है, नहीं होल नंबर तो नहीं है, जीरो से शुरू होते हैं होल नंबर, तो होल नंबर तो नहीं है, अगर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलीनोमियल तो नहीं होगा, है ना, ये पॉलीनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन तो हो गई है, तो ये एक्सप्रेशन होगा, एक पॉलीनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो सारे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं, सारे पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं भाई, लेकिन सारे एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल हो जरूरी नहीं होगा, ये है ना, एक्सप्रेशन बड़े हैं ये एक्सप्रेशन हो गए, इसके अंदर आते हैं पॉलीनोमियल, इसके अंदर आते हैं पॉलीनोमियल, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर। चलो
अब एक मैं एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि भाई आपको चेक करके बताना है कि जो दिए हुए है एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, या फिर दिए हुए में से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं पांच चार पार्ट लिखता हूँ। मैंने कहा 7x² प्लस 5x प्लस 3 है ना, एक ले लिया 4√x² प्लस 3x प्लस 5, एक लिख दिया c, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट प्लस 2x प्लस 4, और एक लिख दिया ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं कह रहा हूं बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। चार ऑप्शन आ गए, उन्होंने पूछा बताइए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात पर फोकस करना है, क्या कि जो वेरिएबल की पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, बस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल कंसिडर होगा। तो एक एक करके पढ़ते, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, 2 और 1 दोनों होल नंबर होते हैं, बिल्कुल हाँ पॉलिनोमियल है। इसको सॉल्व करा, देखो 4√ और x², तो देखो रूट है कोई भी नंबर का स्क्वायर है, इससे कैंसल आउट हो गया, तो जो अंदर की वैल्यू है वही बची जाएगी सिर्फ, है ना। अगर स्क्वायर के ऊपर रूट है तो कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज रूट जो होता है वो हाफ पावर होती है ना। ये ऐसे लिखा जाएगा एन का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, और पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है 9th क्लास में। तो 2 से 2 कैंसिल, अंदर की जो वैल्यू वो बाहर आ गई, तो यहां से इससे कैंसिल, यहां पर पावर बनेगी 1, यहां पर पावर 1, तो इसका मतलब है दोनों होल नंबर है पावर, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहां पर ये 4 रूट के बाहर है, यहां पर मैंने इसके है ना इस टॉपिक के ऊपर इसको बैठा रखा है, इसका मतलब है ये क्यूब रूट कहलाया जाएगा, और अगर ये रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/3 बनेगी। दैट मींस अगर इसको सॉल्व किया जाए तो टी का क्यूब और इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे टी आ जाएगा, सॉरी यहां पर टी है, इधर भी टी ही कर देते ना, वेरिएबल सेम है ना, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो टी आ गया, पावर 1, पावर 1 दोनों होल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, जी हाँ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ये दोनों के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो यहां पर टी की भी पावर 1/2 बनेगी, 3 का तो रूट हो गए, टी की भी पावर 1/2 बनेगी, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो ये वाला जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक एक्सप्रेशन है जनरल। बात समझ में आई, एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, कि पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर होगी, वहीं पर एक्सप्रेशन में पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ये एक मेजर डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है ना। बात क्लियर बिल्कुल, चलो नेक्स्ट आते हैं टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा पहले रिप्रेजेंटेशन में एक बार बता देता हूं यहां पर ना, डिग्री से पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन कुछ भी लिख सकते हो ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या है, हम लिखते हैं ऐसे पी, जरूरी नहीं पी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ब्रैकेट एक्स है ना, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको पी ऑफ एक्स है ना, पी ऑफ एक्स, जनरली हम इसको पी एक्स बोल देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल का नाम को, और ये रिप्रेजेंट करता है उस पॉलिनोमियल के अंदर यूज होने वाला वेरिएबल। एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब इसी में ना देखो क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यहां पर है ना, अगर जो वेरिएबल है वो यहीं पर ही होगा, और पावर क्या होगी है ना, एक ऑर्डर में होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स की पावर लिखी होगी, है ना। अगर मैं बोलूंगा x की पावर 4 है तो फिर नेक्स्ट 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर x हो गया ना, पावर 1 हो गई और फिर ये हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ना, नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल है ना, उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, मैंने कहा 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया, चलिए मैंने कहा इसकी डिग्री बता दो मेरे को। तो मैंने देखा वेरिएबल x है यहां पर, है ना, हमको वन वेरिएबल ही आएंगे ना, टू वेरिएबल भी होते हैं, थ्री वेरिएबल भी होते हैं, हमारे सिलेबस में केवल वन वेरिएबल बेस्ड है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन वन वेरिएबल पर ही करवा रहा हूं। अब यहां पर पावर x की 4 है, यहां पर पावर 3 है, यहां पर 2 है, इनमें से जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, तो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत? लेकिन मैं एक छोटा सा और बोलता हूं, मैंने कहा 0x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8, मैंने कहा इसकी अब डिग्री बताइए, ठीक है ना। अब देखा हमने कि तो वेरिएबल है x, पावर है हाईएस्ट 5, तो आंसर 5 हो गया, नहीं, दिमाग लगाओ, यहां पर इसका कोफिशियंट 0 है, उसको नहीं देखूंगा टर्म को जिसका कोफिशियंट, देखो अगर मैं इसकी जगह पर ये लिख दूं, है ना, मैं इसके साथ में प्लस करके लिख दूं 0x की पावर 100, भाई ये टर्म तो 0 ही है, क्या इंपैक्ट डाल लिया एक्सप्रेशन पे? कुछ भी नहीं डाल लिया, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ और सिर्फ देखना है कोफिशियंट नॉन जीरो होना चाहिए, वेरिएबल का कोफिशियंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसकी डिग्री भी 4 ही हो जाएगी, इसकी भी डिग्री क्या होगी? 4 ही होगी, क्लियर है बात बिल्कुल। तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तीसरा रिप्रेजेंटेशन हो गई है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे की जो टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है, बात क्लियर बिल्कुल? तो फटाफट से इसको नोट कर लो। चलो जी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ठीक है ना, डिग्री पढ़ लेना, डिग्री के बेसिस पर ही दो तीन चीजें और करते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस पर भी बनमार का क्वेश्चन आ जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। तो देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वही कांस्टेंट बात है, कांस्टेंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, उसी को पॉलिनोमियल की लैंग्वेज में लिख दिया ना, पॉलिनोमियल हुज वैल्यू is fixed, whose value is fixed, जो है वही रहेगी, उसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, है ना, और है भी तो उसकी पावर जीरो है। तो मैं इसको जनरली कैसे लिखता हूं, ऐसे लिख दिया मैंने, कहा px is equals to 100 कह दिया मैंने, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा, 100 था 100 है 100 ही रहेगा, x की कुछ भी वैल्यू रखता रहूंगा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कुछ, ठीक है ना। अब इस पर आता क्या है, मैंने बोला एग्जाम में आता है, तो आता क्या है इस पे, तो इस पे आता है जी क्वेश्चन डिग्री बताओ इसकी, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो देखो बड़ा ही इजी पीजी है, समझ के चलो, देखो इसको थोड़ा ना ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से क्या है, मैं अगर बोलता हूं कि ये है ना, यहां लिख देते हैं, चलो ये है जैसे 100, तो भाई इसका मतलब है 100 इंटू 1 है, इसका मतलब है 100 इंटू 1 है, और अभी हमने को एक बात पता है ना, इसमें हमने पढ़ी है किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0-1 होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अगर चेंज कर दूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 100 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, होगा कि नहीं होगा ये भाई, 1 का मतलब क्या x की पावर 0 हो सकता है ना, नॉन जीरो नंबर की पावर 0-1 होता है। अब देखो वेरिएबल की पावर कितनी हो गई हाईएस्ट, यहां हमेशा वन ही है ना भाई, कांस्टेंट है तो उसके साथ में हमेशा वन मल्टीप्लाई होगा, तो पावर हमेशा वेरिएबल की 0 फिक्स हो गई है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही डिग्री है, यहां तो पावर 0 फिक्स हो गई, उससे ऊपर तो जा नहीं सकती, तो इसकी जो डिग्री होती है ना, डिग्री जो होती है इसकी, यहां लिख देता हूं इज वॉट 0, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि बताओ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बताओ,
एग्जाम्पल लेकर मैंने बोला, कहेंगे पॉलिनोमियल है पी एक्स रूट फाइव है डिग्री बताओ, बच्चे कहेंगे रूट है ये तो, रूट का तो पॉलिनोमियल है ही नहीं भाई, कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, कांस्टेंट हो या ना हो है ना रूट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल की पावर होल अपन होल नंबर हो, कांस्टेंट है रूट में है नहीं है कुछ मतलब नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखू ना रूट फाइव टी स्क्वायर प्लस रूट टेन टी प्लस रूट थ्री, तो भले ही ये रूट है लेकिन ये नंबरों के ऊपर रूट लगे हुए उससे कुछ मतलब नहीं है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए तो पॉलीनोमियल हो जाएगा, ये हो ना हो हमें कुछ लेना देना नहीं। तो ये भी क्या होगा एक कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, तो जो इसकी डिग्री है इसकी जो डिग्री है वो भी जीरो ही कंसिडर की जाएगी, ये कांस्टेंट पॉलीनोमियल है ये दिमाग में बैठा लो, कांस्टेंट रूट में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल नहीं होने चाहिए बस, ठीक है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी जीरो पॉलीनोमियल है ना, जीरो पॉलीनोमियल समझ के चलना है ना, क्योंकि यहां पर मैं आगे कराऊंगा जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहो तो चैप्टर उसी पर है पूरा। जीरो पॉलीनोमियल है ना, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज जीरो, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज जीरो या फिर अंडा जीरो, ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी वैल्यू जीरो है खुद से ही वो जीरो है ना, तो बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में है ना नॉर्मल नंबरों में जिसको हम जीरो कहते हैं पॉलीनोमियल की भाषा में उसको जीरो पॉलीनोमियल कहते हैं, तो ऐसा पॉलीनोमियल इसकी वैल्यू जीरो है तो पी एक्स इज व्हाट जीरो। देखो कांस्टेंट पॉलीनोमियल के इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं बट जीरो पॉलीनोमियल का एक एग्जांपल है जीरो, ठीक है। अब ये क्यों कराए भाई, तो ये भी एग्जाम में आता है ये भी बोर्ड में आता है, क्या पूछते हैं इसमें, इसमें पूछते हैं सेम वही चीज, क्या बताओ डिग्री ऑफ जीरो पॉलीनोमियल क्या होगा, कहेंगे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है इसकी डिग्री बता दो, तो इसकी डिग्री क्या होगी समझ लो भाई, इसको सॉल्व अगर मैं ढंग से करूं थोड़ा सा है ना यहां पर, तो मैं लिखता हूं जैसे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो है ना, बात को समझो, अगर मैं इसमें लिख दूं जीरो इंटू एक्स की पावर वन कितना आंसर आएगा जीरो, अगर मैं इसमें बोल दूं जीरो इंटू एक्स की पावर टू कितना आंसर आएगा जीरो, जीरो इंटू एक्स की पावर थ्री कितना आंसर आएगा जीरो, जीरो इंटू एक्स की पावर फोर कितना आंसर आएगा जीरो, भाई ऐसे तो चलता रहेगा। क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी जहां पर जीरो ना आकर कुछ और आए, नहीं हमेशा जीरो आएगा, तो इसकी कोई हाईएस्ट पावर डिफाइंड नहीं है, मुझे थोड़ी पता है। अगर आप बोलोगे कि भाई 6 है 6 के बाद नहीं आएगा, ले लो 7 हो जाएगा, x की पावर 7 इंटू 0 0 आएगा, बात समझ में आ रही है। तो x की या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिफाइंड नहीं है, दैट्स वाई इसकी डिग्री जो होगी वो भी होगी नॉट डिफाइंड, बात समझ में आई या फिर नहीं आई जल्दी बताओ, ठीक है क्लियर है बात। तो याद रखना दोनों में फर्क, अगर कांस्टेंट पॉलीनोमियल है तो डिग्री होगी जीरो, वहीं पर अगर जीरो पॉलीनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड, ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं भाई, है ना, नेक्स्ट के लिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के लिए पूरा मेरे को बनाना पड़ेगा तो पूरा रब कर दूंगा, तो इस वाली बात को नोट कर लो, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फिर। चलिए भैया क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स, क्लासिफिकेशन का मतलब है मैंने इसको बांट दिया, और जब हम किसी चीज को बांटते हैं ना तो किसी पर्सपेक्टिव से बांटते हैं, कुछ सोचकर बांटते हैं, कुछ पैरामीटर हम फिक्स कर देते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो इसको ये बोलूंगा, ऐसा होगा तो इसको ये बोलूंगा। तो यहां पर पॉलीनोमियल को भी मैंने क्या करा है, क्लासिफाई कर दिया है सम बेसिस पर, क्या बेसिस है वो देखते हैं। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ना, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, इस पर कोई क्वेश्चन हमारे पास आएगा नहीं, मैं बस नाम लिख दूंगा है ना, ये नाइन्थ में हमने पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर पॉलीनोमियल का नाम क्या होता है, डिग्री के बेसिस पर नाम क्या होता है, तो हमको डिग्री में पढ़ने, वो भी तीन होते और भी है बट हमको तीन ही पढ़ने। तो टर्म्स के बेसिस पर देखो, आपने याद हो अगर आपको, तुमने पढ़ा है मोनोमियल,
है ना, मोनोमियल जिसके अंदर क्या होती है वन टर्म, इसके अंदर क्या होगी वन टर्म, एग्जांपल ले लिया मैंने 2x³ है ना, x की पावर 100, दोनों ही क्या है मोनोमियल है, मोनो मतलब एक, सेकंड है बाइनोमियल, बाइनोमियल है ना, इसके अंदर क्या होती है टू टर्म्स, इसके अंदर होती है टू टर्म्स, इसके एग्जांपल लूं अगर तो मैंने लिख दिया 2x³ + 3x² है ना भाई, दो टर्म्स है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, और थ्री ट्राइनोमियल। देखो कहते हैं इन सबको भी पॉलिनोमियल ही है, बट इनकी रैंक होगी 1, 2, 3, ठीक है ना, बाकी सारे पॉलिनोमियल। तो ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मैंने कहा भाई 2x³ + 3x² + 4x, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इस पर कुछ आएगा नहीं खास, इसलिए बराबर से इसी को पढ़ लो, नहीं भी नोट करोगे इस वाली बात को तो कुछ चलेगा, ठीक है ना। इस पर आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर काफी है, हमको केवल तीन पढ़ रहे हैं, और मैं अगर बोलूं तो आएगा एग्जाम में केवल दो के ऊपर ही बेस क्वेश्चन है ना, और दो भी क्या एक पर ही आएगा मोस्ट ऑफ द चांस है ना। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, इसके ऊपर चैप्टर 3 बनाया हुआ है ऑलरेडी है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसी की मेहरबानी हो। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो डिग्री होती है वो 1 होती है ना, डिग्री जो होती है वो क्या होती है 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है, ठीक। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम इसको लिखते हैं ax + b, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब x का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। देखो समझो, अगर ये 0 है तो x * ये 0 हो जाएगा, तो ये हट गया है ना, ये हट गया, बचेगा सिर्फ b, b मतलब यहां पे नंबर लिखा होगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक बाय दन पीछे चला गया है ना। एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, मैंने लिखा 5x + 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहां पर 5 की जगह 0 होता तो 0 × x 0 बनता, बचता 3, 3 एक कांस्टेंट है, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी डिग्री होती है 2, इसकी डिग्री होती है 2, ठीक है ना। तो देखो इस पर बेस्ड हमारे पे चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, और चांस है कि मेरे पे 99% चांस है ना, 99% चांस है कि जो क्वेश्चन आएगा वो क्वाड्रेटिक पर ही आने वाला है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर है ना, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसी पर फोकस करेंगे। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, where a is not equals to 0, अगर ये 0 हुआ तो ये वाली पूरी टर्म 0, ये बन जाएगा लीनियर, एक पायदान पीछे खिसक जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सिलेबस में था बट ये अब नहीं है, बिकॉज 2.3 हमको नहीं आ रही है, मैं बस लिखवा देता हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसकी डिग्री कितनी होती है 3, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, एक एग्जांपल ले लूं यहां पर ना, मैं लिख दिया x² + 5x + 10, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने यहां पर, भले सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये किस फॉर्मेट में होता है, ax³ + bx² + cx + d, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज़ यहां 0 तो ये 0, ये वापस पहुंच जाएगा किस पे, क्वाड्रेटिक पर, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेता हूं, 5x³ + 3x² + 4x + 7, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो डिग्री के बेसिस पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, हमारा जो फोकस रहेगा अभी है ना वो इस पर रहेगा हमारा ज्यादा फोकस, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर, चलो तो इस वाली बात को नोट करो, फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर अपनी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फटाफट नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ना, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले कि एक मैंने चीज कराई है जीरो पॉलिनोमियल और एक कराऊंगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। क्या है ये बेसिकली, है ना, जीरोस, जीरोस मतलब ऐसी वैल्यू, है ना, ऐसी वैल्यू किसकी, वेरिएबल की, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो सब्सटीट्यूट कर दूं और आंसर आ जाए जीरो। एक बेसिक चीज बता दूं, जैसे मैंने कहा पॉलिनोमियल है px x plus 3, मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर एक ऐसी वैल्यू रख दो कि जो मेरा आंसर बन जाए वो किसके बराबर बन जाए, जीरो के बराबर आ जाए। ऐसी वैल्यू ढूंढनी है मेरे को किसकी, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की उस वैल्यू को, है ना, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। एक है तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बात क्लियर है बिल्कुल। तो क्या बोलूंगा इसके लिए, है ना, इट इज द वैल्यूज, है ना, वेल इट इज या फिर वैल्यू, ऐसे लगा के वैल्यूज भी हो सकती हैं, ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो यहां पर पुट कर दूं और आंसर किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर, ऐसी वैल्यू को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहां पर बोलूं तो आप अच्छे पुट कर करके भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू आ गई तो कैसे सॉल्व करें भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर। हमने कहा ठीक है भाई, तो क्यों ना इसको ऐसा ही करा जाए भाई, मुझे चाहिए पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, क्या है इसकी वैल्यू, एक्स प्लस थ्री, इसको इधर ले गए तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस थ्री, मतलब यहां अगर माइनस थ्री रख दिया तो आंसर जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे करा भाई, इसकी वैल्यू जीरो चाहिए तो जीरो ही रख के देख लेते ना तो जीरो रख ली, एक्स की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा एक पॉलिनोमियल है पी वाई ले लिया, थ्री वाई प्लस टू, ऐसी वैल्यू रखनी है जो पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। तो देखो जीरो आ जाए तो क्यों ना मैं जीरो लेकर ही चल लूं, उससे मैं रिवर्स इंजीनियर करके देख लूंगा वाई कितना आ जाएगा। तो मेरे को इसकी वैल्यू जीरो के बराबर चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई तो लो जीरो के बराबर है। क्या है ये, यह थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, प्लस टू उधर गया तो थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू, थ्री नीचे आया तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। इसका मतलब है ये वैल्यू यहां रखोगे आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इसी को कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखो जीरो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, एग्जाम में आ भी जाता है। एटमोस्ट जीरोस, एटमोस्ट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बराबर होता है किसके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। जितनी उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, है ना, उतने ही जीरोस आ सकते हैं, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम आ सकते हैं ना। ये चीज क्लियर है। जैसे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, देखो ध्यान से, पावर कितनी है, वन है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। मतलब क्या हुआ, एक ही जीरो आएगा इसका भी, इसका भी एक जीरो। यहां पर माइनस थ्री के अलावा दुनिया की कोई भी वैल्यू रख दो आंसर जीरो के बराबर नहीं आ सकता कभी भी। समझ में आ रही है बात। तो इसको अगर मैं जनरली बोलू ना, है ना, जनरली अगर मैं इसको बोलू तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू जीरो बनानी है तो दैट मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, सो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, और एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस बी बाई ए। तो ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। तो देखो इसको हम यूज इतना करते हैं नहीं, इसके अंदर इसका इतना यूज करते नहीं हम, डायरेक्ट इक्वल टू जीरो रख के कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला पी एक्स फोर एक्स प्लस सेवन, पी एक्स फोर एक्स प्लस सेवन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए है ना, तो बी हो गया ये माइनस सेवन और ये हो गया फोर,
तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जीरो के बराबर पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इतना कोई खास कोई क्वेश्चन इस पर आता नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है, वेरिएबल की वो ऐसी वैल्यू या फिर वैल्यूज, एक से ज्यादा भी हो सकती है, जिसके लिए पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू किसके बराबर पहुंच जाए, जीरो के बराबर पहुंच जाए। बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत? लेकिन मैं बोल रहा हूं कि भाई जरूरी नहीं है ना कि कोई ऐसी वैल्यू हो, मेरे को कोई दूसरी वैल्यू ढूंढनी हो, है ना। मैं बोलू कि x की वैल्यू 1 रखो तो पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, उसको क्या बोलूंगा? तो देखो, उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ पी एक्स, है ना, पॉलीनोमियल ना बोल के पी एक्स एट x इज इक्वल टू ए इज पी ए। कुछ समझ में आया क्या लिखा मैंने? मतलब उसको मैं जीरो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भैया पॉलीनोमियल की वैल्यू जब x की वैल्यू a, a सम नंबर हो, तो मैंने कहा कि भाई इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 2 पर बताओ कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 2 रखूंगा, तो इसको क्या बोलूंगा, p2 इज इक्वल टू, x की जगह 2 रखा 2 प्लस 3, तो p2 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल तो नहीं है, ये बता रहा है कि पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी है, 5 आ रही है, जब वेरिएबल की वैल्यू 2 है। ये चीज क्लियर है, बिल्कुल पक्की बात, ठीक। अच्छा एक चीज और यहां पर नोट करवा देता हूं, है ना, अगर मैं, है ना, क्या बनाता हूं, इनके एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं ना, मैंने बोला ऐसे ऐसे करके, ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, है ना, मैंने बोला x की वैल्यू -3, तो -3 कहां पर है, यहां पर, तो यहां से क्या करा दिया, एक लाइन पास करा दी। ऐसे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं कि जो लीनियर पॉलीनोमियल होता है हमारे पास ना, जो लीनियर ये है पॉलीनोमियल, वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर मैं जो लीनियर पॉलीनोमियल है उसको ग्राफ पर ड्रॉ करना चाहूंगा, उसकी वैल्यूज को पुट करूंगा, है ना, लोकेट करना चाहूंगा और उन सबको पॉइंटों को ज्वाइन करूंगा, तो जो मेरे को फिगर मिलेगी या जो कर्व मिलेगा, सॉरी, वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है। बात बिल्कुल समझ में आ रही, नहीं आ रही है? तो ये है हमारे पास सारी बातें, किसकी, लीनियर पॉलीनोमियल की और जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल की। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ऊपर, फटाफट नोट करो उसको। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं किस पे, सेकेंड हमारा है ना, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे यहीं से बनेंगे। क्वाड्रेटिक आपको कैसे सारे बनेंगे इधर से, तो इधर को कोई नहीं पढ़ा दिया, तो भैया यहां तक पहुंचने से पहले प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, वरना कुछ समझ में नहीं आया क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में मैंने क्या बताया कि भाई डिग्री कितनी होनी चाहिए मेरे पास, डिग्री 2 होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसके जो जीरोस हैं, अब समझो अगर इसकी डिग्री 2 है तो एटमोस्ट जीरोस कितने आएंगे इसके, एटमोस्ट जीरोस। तो अभी मैंने कराया कि जो एटमोस्ट जीरो होते हैं, मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसके डिग्री पर, तो एटमोस्ट जीरोस जो होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसके जीरोस निकालने के लिए मैं यूज करता हूं फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको नहीं आता उसको दिक्कत आएगी, तो मैं बोल रहा हूं कि कोशिश करो कि इसके ज्यादातर क्वेश्चन आप, है ना, ट्राई करें खुद से, जितने मैक्सिमम कर पाओगे, 30-40 क्वेश्चंस भी करोगे तो कमांड हो जाएगी। मैं एक दो भी करवा के बता देता हूं ना, फिर भी चलो। तो इसमें क्या है, सबसे पहली बात कि जीरोस जो हैं उनके नाम रखे गए हैं, कुछ जो जीरोस जो हैं उनके नाम रखे गए, और अगर आपको जीरोस की जगह पर कहीं लिखा जाए कि भाई रूट्स बताइए, चैप्टर नंबर 4 में जीरोस वर्ड यूज ना करके रूट्स वर्ड यूज होगा, कहीं पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन बताइए, तो ये तीनों बातें सेम होती है ना, सॉल्यूशन बोले, जीरोस बोले या रूट्स बोले, तीनों बात एक ही है,
ठीक है। तो देखो इसके जो जीरोस आएंगे वो दो आएंगे, क्या नाम है उनके? देखो सबसे पहले तो ये समझ लो ये क्या है, ये जो सी है इसको हम कॉन्स्टेंट टर्म कहते हैं ना, कोई नंबर होगा जस्ट, ये ए और बी जो है इनको कोफिशियंट कहा जाएगा है ना, और ये जो एक्स है इसको हम कहेंगे वेरिएबल, और इसकी ही वैल्यू जो हम ढूंढते हैं वही जीरोस होती हैं, तो वो दो होते हैं, एक को हमने कहा अल्फा और एक को हमने कहा बीटा है ना। तो ये बेसिकली जीरोस के नाम हैं और कुछ नहीं है ना, नामकरण कर दिया, क्लियर है बात बिल्कुल। तो देखो इनमें कुछ रिलेशन होते हैं, तो रिलेशनशिप रिलेशनशिप, और इस पर क्वेश्चन समझ लो फिक्स है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस है ना एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक के अंदर, किसके अंदर? वो भी क्वाड्रेटिक के अंदर, क्यूबिक में हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे सिलेबस में है नहीं है ना, हम क्वाड्रेटिक तक ही रखेंगे। तो क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं बट अभी ड्राइव की जरूरत है नहीं बन शॉर्ट में ना, और वैसे भी रिलेवेंट इतना है नहीं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के है ना, अगर करना भी है तो सॉल्व कर सकते हो भाई, एक्स की दो वैल्यू चाहिए, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, आप इधर ले आइए वैल्यूज को और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यही वैल्यू आ जाती है हमारे पास सॉल्व करके है ना, इतना कुछ है नहीं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस पर भी थोड़े पर बात करेंगे ना कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या है जी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो अल्फा डॉट बीटा, और ये होता है सी बाई ए, वेयर सी इज द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो हमारे पास जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है, वेरीफाई करने के लिए भी आता है। तो एक क्वेश्चन उठा दो मैं, एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ना, उसमें आपको थोड़ा फैक्टराइजेशन समझाने की भी कोशिश करते हैं, बाकी तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे फैक्टराइजेशन के उतना बेटर है, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में यूज होगा, चैप्टर नंबर 5 में यूज होगा, चैप्टर नंबर 2 में तो यूज होगा ही होगा, कभी कभार है ना, कभी कभार जो क्वेश्चन है फंस जाते हैं सरफेस एरिया के, ठीक है। इसी को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मेथड का एक्चुअल नाम मिडिल टर्म ही है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो क्या है ये, मैंने कहा एक पॉलीनोमियल है px इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ले लिया मैंने है ना, कह रहे हैं कि इसके जीरोस ढूंढकर बताइए, इसके क्या ढूंढिए, जीरोस। तो देखो समझो, जिसको आता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं एक बेसिक से एक क्वेश्चन करा रहा हूं है ना, क्या है आपको पहले ही देख लेना है ए बी सी क्या है यहां पर है ना, ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कौन है बी, तो बी की वैल्यू हो गई 7, और जो अलग से कॉन्स्टेंट है वो क्या 10। मुझे क्या करना है, मुझे ए और सी का प्रोडक्ट देखना है, क्या देखना है, ए और सी का प्रोडक्ट, तो ए और सी को मैंने मल्टीप्लाई करा तो 10 और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गए 10, और जो बी की वैल्यू है वो क्या है 7। तो मुझे ना कुछ कॉम्बिनेशन की वैल्यूज ढूंढनी होती है, क्या वैल्यूज है 10, क्या वैल्यूज है वो, कि ए और सी का जो प्रोडक्ट आया है ना, बी की वैल्यू जो है ना, बी ये जो नंबर है इसको ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट भी इसी प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, जो मेरा ये वैल्यू है ए और सी की वैल्यू है ए इंटू सी की, उसी को तोड़ देता हूं है ना, उसी को ब्रेक कर लेता हूं, और उसको ब्रेक करके इसको फॉर्म करने की कोशिश करता हूं, तो वो कंपेरेटिवली इजी रहता है। तो मैंने क्या करा, ए और सी का जो प्रोडक्ट है उसको ऐसे नंबरों में ब्रेक कर रहा हूं कि उनका कॉम्बिनेशन इस बी की वैल्यू के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो देखो
कैसे करते हैं, बड़े नंबरों के लिए तो हम क्या करते हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जैसे मैंने इसमें कर लिया, छोटा नंबर है, मैंने यहां तक करा तो मुझे दिख रहा है कि भाई 5 इंटू 2 करता हूं तो 10 आ गया, और 5 और 2 को ऐड कर दिया तो 7 बन गया। क्लियर है चीज बिल्कुल? तो मैंने यहां पर इसको लिख दिया कैसे, ये सब आपको लिखना नहीं होता एग्जाम में, बस समझा रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइमर जो है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस, इस 7x को ब्रेक करा दो पार्ट में 5 और 2 में, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये ऑलरेडी स्प्लिटेड होते हैं, ये होते हैं स्प्लिटेड वैल्यूज, मतलब ये स्प्लिट हो गई वैल्यू सॉरी, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने पेयर बना लिया, मैंने क्या कर लिया पेयर बना। अच्छा ये भी याद रख लो, मैं दो को इधर लिख सकता हूँ, पांच को इधर, है ना। आप ये मत सोचना कि भाई यहां मैंने लिखा है तो यहां पर बड़ी वैल्यू आएगी, इसका कुछ लेना देना नहीं है, समझेंगे लेकिन कब कौन सी वैल्यू मेरे को लेनी है, ठीक है। इनमें देखो ध्यान से कॉमन लेना है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है कॉमन। इन दोनों में एक्स कॉमन आ गया, स्क्वायर में से एक्स बाहर आ गया, एक्स बच गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, एक्स बाहर आ गया तो फाइव बच गया। देखो ये प्लस की वैल्यू है, ये भी है, इन दोनों साइनों को देखो, ये दोनों अगर सेम है तो पॉजिटिव कॉमन ले लेना। समझाता हूं क्यों ऐसा, यहां दोनों में टू कॉमन आ रहे हैं, देखो 2x में से 2 आ गया, x बच गया, प्लस की जगह प्लस, प्लस कॉमन लिया है इसी वजह से ये प्लस है। अगर मैं माइनस कॉमन लेता तो इसका साइन बदल जाता, बट मुझे इस वाले ब्रैकेट में वैल्यू किसकी चाहिए, x प्लस 5, यानी कि प्लस की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर क्या बच जाएगा 5। तो ये चीज को याद रखना, बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यूज होती है ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में इसको और इसको कॉमन ले लियो, यहां बचेगा x और यहां बचेगा प्लस का 2, देखो ना, समझो इसमें से x प्लस 5 आ गया तो यहां पर x बच गया, ये प्लस बच गया, यहां पर ये पूरा कॉमन आ गया तो यहां पर प्लस का 2 बच गया, समझ रहे हो ना भाई। ये कॉमन आ गया, यहां पर x था इधर लिख दिया, ये पूरा कॉमन आ गया, यहां प्लस का 2 था यहां पर प्लस का 2 लिख दिया। इन दोनों को कहते हैं फैक्टर, ये क्या होते हैं, इस पॉलीनोमियल के फैक्टर। मुझे ढूंढनी है ऐसी वैल्यू जो यहां पर रखो और आंसर किसके बराबर है, जीरो के। तो यहां एक रूल लगता है, दैट इज जीरो प्रोडक्ट रूल, है ना। जीरो प्रोडक्ट रूल ऐसा रूल होता है कि वो कहता है कि दो नंबरों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो के बराबर है तो उनमें से कोई कम से कम एक तो जीरो होगा, हो सकता है दोनों भी जीरो हो। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को एक एक करके जीरो के बराबर रखता हूं, तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो प्लस 5 उधर गया तो माइनस 5 और ये उधर गया तो माइनस 2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इसी के 3-4 क्वेश्चन करने हैं अभी लगातार, और कम से कम 30-40 क्वेश्चन करके रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत बेसिक बता रहा है मैंने अभी, ना बहुत बेसिक। अभी हम क्वेश्चन जब इसके करेंगे ना, एक जिसमें सेपरेट में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहां पर मैं कुछ क्वेश्चन इसके करवा दूंगा अच्छे से, है ना, और भी ज्यादा क्लियर। तो देखो ध्यान से समझो, यहां पर अब x की दो वैल्यूज आ गई, तो एक को मैंने कह दिया अल्फा और दूसरी को क्या कह दिया मैंने, बीटा। तो यही कह रहे हैं कि जो आपने जीरोस निकाले हैं ना, और ये जो कोफिशियंट है ना, इनमें ये रिलेशन होता है, कह रहे वेरीफाई करके दिखाओ, क्या कह रहे हैं वेरीफाई करके बताओ, ये सही भी बात है कि ऐसे फेंक रहे हो। तुमने कहा ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों का सम, सम करूंगा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहे हैं, अल्फा की वैल्यू माइनस 5, बीटा की वैल्यू माइनस 2, बीटा की वैल्यू माइनस 2, कितना आंसर आएगा, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 आ रहा है जी। ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के, तो माइनस बी बाई ए क्या आ रहा है, देखें माइनस की जगह माइनस, बी क्या है एक्स का कोफिशियंट जो कि है 7, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि है 1, तो ये जाएगा माइनस 7। देख लो दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, यानी कि ये वाली बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा डॉट बीटा कितना है जी, अल्फा की वैल्यू माइनस 5, बीटा की वैल्यू माइनस 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर प्लस बनेगा तो 10 आ गया। और क्या है भाई, ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के, तो सी बाई ए, सी की वैल्यू देख लो 10 है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये भी 10 आ गया। देख लो ये भी दोनों वैल्यूज बिल्कुल डिटो सेम है, तो यानी कि ये रिलेशन भी बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रिलेशन बहुत यूज होने वाला है ना, तो इसी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, और अभी कुछ क्वेश्चंस भी इसके मैं करवा देता हूँ साथ ही साथ में, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा,
क्योंकि चांस है कि क्वेश्चन इसी पर आएगा, ठीक है, और किस तरीके से यूज करना है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो फिलहाल इतनी सी बात को उसको नोट कर लो और कोशिश करो कि भाई इस पर कमांड करो, इस पर कमांड करो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, इसको नोट करो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, है ना, इस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है छोटा सा, क्या कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वो है k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस अगर मुझको ये पता है तो मैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढ सकता हूं। यहां पर ये जो k है वो एक रियल नंबर है, रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं हो सकता, देखो ये जीरो होगा तो सबको जीरो बना देगा, तो कोई फायदा नहीं है ना, जीरो को छोड़कर कुछ भी रख दो यहां पर, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से हम यहां पर रख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो कैसे फॉर्म हुआ, तो एक क्वेश्चन उठा दें, क्वेश्चन है 2020 है ना सीबीएसई, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढना है, उसका सम ऑफ जीरो जो है आपके पास, सम ऑफ जीरो वो दिए हुए हैं माइनस फाइव, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो है सिक्स, कह रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढना है ना, मैंने कहा ठीक है भाई ये पुट कर लो, क्या दिक्कत है, तो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, है ना, ये सम ऑफ जीरो जीरो है भाई जो कि माइनस फाइव है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये जो कि वैल्यू छह है, तो सॉल्व कर लिया के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स। अब के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू जैसे जैसे रखते रहोगे वैसे वैसे पॉलीनोमियल मिलते रहेंगे, लेकिन उनके जीरो सेम ही होने वाले हैं, तो ऐसे पॉलीनोमियल है ना जिनके जीरो, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया ऐसे पॉलीनोमियल बताइए जिनके जीरो जो है वो इसके कुछ जीरो है, मान लो थ्री और टू है, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलीनोमियल ड्रॉ हो सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकता हूं, k की जैसी जैसी वैल्यूज रखता रहूंगा वैसे वैसे पॉलीनोमियल मिलते रहेंगे, बट जीरो सेम होंगे उन सबके, है ना। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करता हूं k की वैल्यू 1 लिख लेता हूं, तो k की वैल्यू 1 लेट कर ली है ना, लेट कर लिया कि 1 है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढना है हूज जीरोस, हूज जीरोस आर, जीरोस आर टू रूट सेवन एंड माइनस फाइव रूट सेवन, कह रहे ऐसा पॉलीनोमियल ढूंढना है क्वाड्रेटिक जिसका एक जीरो ये है एक जीरो ये है। हमने कहा ठीक है भाई एक है अल्फा एक है बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढना है तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, तो सम ऑफ जीरो बता देते हैं कितना है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम, सो टू रूट सेवन प्लस में माइनस फाइव रूट सेवन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस थ्री रूट सेवन आ जाएगा, और अगर बात करें प्रोडक्ट की तो टू रूट सेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस फाइव रूट सेवन। सॉल्व करेंगे देखो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा पहले, टू को फाइव में मल्टीप्लाई कर लो टेन हो जाएगा, इंटू रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस सेवनटी। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ढूंढ रहा है मेरे को तो वैल्यू रख लेता हूं k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस जो कि मैं यहां ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं माइनस थ्री रूट सेवन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि है कितना माइनस सेवेंटी, तो कितना आ जाएगा सॉल्व कर लेते हैं इसको, बाहर है k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस प्लस थ्री रूट सेवन एक्स और ये हो जाएगा जी माइनस सेवनटी। देखो अगर ऑप्शन में मेरे को के दिया हुआ है तो के लिख देना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो के हटा देना है, वन लिख देना उसकी जगह, समझ रहे हो ना बात को। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने का मेथड, क्लियर है बात बिल्कुल। चलो तो फटाफट से इस वाली बात को नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं ना,
फटाफट नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहे कि ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो समझो मैंने क्या कहा, मैंने कहा पी एक्स एक पॉलिनोमियल है x प्लस 4, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि भाई इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाइए। तो देखो ग्राफ पर अगर x की वैल्यू रखूंगा तो ये x एक्सिस पर आएगी, तो जो पी एक्स की वैल्यू है वो कहां आएगी, वो y एक्सिस पर आएगी, ठीक है ना। जब पी ऑफ एक्स करो तो बेसिकली मैं ये भी कह सकता हूं कि क्या है y इज इक्वल टू पी एक्स है, ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये रहा ऐसे करके ग्राफ है इस तरह से, है ना, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखो मैंने क्या करा, मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ बना दो, है ना, इसका ग्राफ बना दो। तो देखो ऐसे बनाते थे याद है ऐसे करके 9th में, है ना भाई, x की वैल्यू y की वैल्यू, मैंने कहा कि x की वैल्यू 1 है, यहां x की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 4 5 आएगा, ठीक है, x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू माइनस 1 रख दी, y की वैल्यू माइनस 1 और कितना जाएगा 3 हो गई भाई, कम से कम दो वैल्यू चाहिए, 3 रख दिया मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं, क्या करता हूं प्लॉट। तो कैसे बनेगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 कहां है ये और y की वैल्यू 5 कहां है ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज व्हाट 1, 5, या थोड़ा सा इधर बना देते हैं 1, 5, ये चीज क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ये रहा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, ठीक है। उसके बाद एक और रख लेते हैं, चलो पहले मैंने बोला x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 या x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 रख दी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, है ना, समझाने के लिए तो ये तो चाहिए भाई। तो x की वैल्यू हो गई -1, y की वैल्यू हो गई 3 पॉइंट, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू ये मेरे पास कितनी है माइनस, ये थोड़ा सा छोटी सी वैल्यूज बन गई हैं बट चलो काम चला लेते हैं इधर, है ना, स्केलिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, स्केलिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, जाएगा -1, 3, एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू 0, ये रहा। देखो मैंने इनको ज्वाइन करा, थोड़ा सा ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा बट फिर भी थोड़ा मैनेज करके एक लाइन बना ही देते हैं, अरे बाप रे बाप, इतनी सीधी लाइन, खतरनाक ही सीधी लाइन बन गई है बट चलो ठीक है ना, को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये कर दिया 5, ये कर दिया 6, हो गया जुगाड़, है ना, क्लियर बात। तो मैंने क्या कहा, देखो ये लीनियर था, ये क्या था, एक लीनियर था, तो मैंने कहा लीनियर से हमेशा क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है, ठीक है ना, तो एक लाइन मैंने बना दी। लेकिन अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मीनिंग का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो वैसे तो मैं जनरली जानता हूं कि भाई इसका जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल कितना होगा, -4 होगा, है ना भाई, कैसे रखूंगा भाई, सॉल्व करके बताया ना मैंने, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू -4 हो गई। लेकिन अगर मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहूं तो मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना, मैंने ग्राफ बनाया तो मैंने देखा x एक्सिस को ग्राफ कट कर रहे हैं, और x एक्सिस पर अगर ग्राफ कट कर रहा है तो एक बात को समझो, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इस x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो वहां पर आप y की वैल्यू चेक करो 0 आएगी, ठीक है। तो देखो मुझे बताना था क्या px 0 है, px तो y है भाई, पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है तो y की वैल्यू है ना, और y की वैल्यू 0 आ रही है
तो कब आएगी, जब वो एक्स एक्सिस पर है। और तो इसका मतलब है जो भी कर्व एक्स एक्सिस पर कट करेगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू होगी, वो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाया जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, वही जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल है। और जितने नंबर ऑफ टाइम कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। तो ये कितने टाइम कट कर रही है, एक ही बार, भाई नीचे चली जाएगी ये, वापस उड़े आएगी होंगे। तो ये लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी एक ही आएंगे। अगर दो बार करती है, अगर ऐसे करती है, मैंने बोला ऐसे, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो कितने हो जाएंगे जीरोस, इसके टू जीरोस हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बिल्कुल। तो ये है कॉन्सेप्ट किसका, ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, कि कोई भी कर्व है ना एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, और जिस पॉइंट पर कट करेगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल की वैल्यू होने वाली है, ठीक है ना। तो देखो लीनियर में स्ट्रेट लाइन आती है, और ये है, इसको हम कहते हैं पैराबोला, है ना, पैराबोला, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोला। ये कब ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है किससे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से, क्वाड्रेटिक। तो अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और उसके जीरोस निकालने हैं ग्राफिकली, तो बेसिकली मैं देखूंगा कि अच्छा वो पैराबोला बना रहा है, वो पैराबोला कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि देखो एटमोस्ट जीरो टाइम हो सकता है, एटमोस्ट दो टाइम हो सकता है, कम भी तो हो सकता है। मैंने ऐसे बना दिया, तो केवल एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है या टच कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बनती है। तो यहां पर दोनों के दोनों क्या होंगे, वो सेम ही होंगे बेसिकली, दोनों क्या होंगे, वो सेम ही होने वाले। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, पक्का, चलो। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन सेपरेट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो होगी। इसमें मैंने चैप्टर से रिलेटेड जो भी था वो लगभग लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है, कुछ क्वेश्चंस में भी ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं अभी ना। तो कॉन्सेप्चुअली वाइज सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, इस बात को फटाफट से नोट कर लो। कुछ एक क्वेश्चन करते हैं और अपना ये पूरा वन शॉट कंप्लीट। चलो कुछ एक क्वेश्चन करा दो ना। क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज व्हाट। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, तो वो पैराबोला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पैराबोला, ठीक है ना। देखो ऐसे बनता है, पैराबोला है ना, नीचे भी जा सकता है, साइड में सकता है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। एक होता है हाइपरबोला, ऐसे हो गया, ठीक है। एक होता है एलिप्स, इसको ओवल भी कह देते हैं कभी कभार। तो जो, और एक हो गया हमारे पास लाइन, है ना, इस तरीके से। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है वो हमेशा क्या फॉर्म करता है, एक पैराबोला फॉर्म करता है, और जो लीनियर है वो क्या फॉर्म करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो एग्जाम में आएगा, तो बेसिकली इस पे पहले केस स्टडी क्वेश्चन आते थे, है ना, लास्ट जो हमारा टर्म था उसमें केस स्टडी क्वेश्चन आते थे। वो बोलते हैं कि भाई बॉल को फेंका हमने ऐसे ना, तो ये ट्रेजेक्टरी है इसकी ना, ये किस तरीके से मूव कर रहा है, ये ट्रेजेक्टरी जो है ये पैराबोलिक पाथ ऑब्टेन कर लेती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, पैराबोला। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा वो क्या बनाएगा, पैराबोला। एक ये क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए हर एक सेट पर एक एक क्वेश्चन में बता देता हूं। जैसे कह रहे हैं कि एक, कह रहे हैं आपको बताना है 3x + 5b 3y³ - 4y² + 2y c x³ - 3 और d 1x। कह रहे इसमें से कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है, इसमें से कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है। तो देखो यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है, एक होल नंबर है, बिल्कुल है ये। वेरिएबल की पावर 3 होल नंबर है, ये भी है। वेरिएबल की पावर होल नंबर है सारी, ये भी है। और इसको सॉल्व करूं तो ये जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा x की पावर -1।
तो ये नहीं है पॉलीनोमियल, क्योंकि डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, नहीं कि सॉरी पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक ये चीज है। चलो देखो, कह रहे हैं इफ टू इज अ जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ टू इज ए जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस वन एक्स माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ के, देन द वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो समझो बात को, देखो टू जीरो है, जीरो का मतलब क्या है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो यहां पुट करो और आंसर किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर ना। तो इसको रखूंगा कैसे, ये x की वैल्यू हो गई है ना, यहां पर x की वैल्यू रखूंगा, x की जगह पर तो आंसर आएगा जीरो। तो मैंने कहा a, ठीक है सॉरी a माय मिस्टेक है ना, दिस इज व्हाट दिस इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ a है ना, फाइंड द वैल्यू। सो ये जाएगा a, x की वैल्यू कितनी जाएगी 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1, x की जगह पर हो गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो भाई, 2 0 ऑफ द पॉलीनोमियल है, यहां पर पुट करा तो आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, तो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 a, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ये भाई आपका मन है आप मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 को किसे मल्टीप्लाई कर लिया 3 में, तो माइनस 6, क्योंकि सबसे बड़ी जो गलती है ना ये नेगेटिव साइन की होती है, बहुत परेशान करता है बच्चों को कभी कभार। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बदलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बदलेंगे, तो जाएगा 4a माइनस हो जाएगा माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 6 और माइनस, ध्यान से देखना इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, ये अलग है माइनस का वन, ठीक है। सॉल्व करा, 4a में से 6 से जाएंगे तो माइनस 2a बचेंगे, 6 में से 1 गए प्लस का 5 बच जाएगा इक्वल टू 0, इसको इधर ले आता हूं माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 2। बात क्लियर है कि नहीं है। तो इस तरीके से जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल को मेरे को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो 5 बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो अच्छा, इसमें ना इसको हटा देते हैं, ये सब इसकी जरूरत नहीं है। कहते हैं क्वेश्चन दिया उन्होंने, क्वेश्चन दिया टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 कह रहे हैं इसके जीरोस ढूंढ कर बताओ, है ना। तो जैसे ये डिग्री इसकी 2 है तो बच्चे सोचते हैं कि भाई हमारे पास मिडिल टर्म लगेगा, बट यहां तो है नहीं ना, दो ही टर्म है। तो देखो समझो भाई, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर बनानी है, तो ये जीरो बनाना है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 15। देखो t स्क्वायर 15 के बराबर है तो t की वैल्यू क्या होगी भाई, रूट लग जाएगा ना इधर, तो ये प्लस माइनस रूट 15 हो जाएगी। दैट मींस एक वैल्यू होगी प्लस रूट 15 और एक वैल्यू होगी माइनस का रूट 15। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें एक चीज और करवा देता हूं, है ना। देखो ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बस जो हमने पढ़ा है उसी पर कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, डेडिकेटेड वीडियो रखनी है उसके लिए हमको ना, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर ना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतने ज्यादा इस पर कमांड हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअली सारा कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बताने के लिए, ठीक है ना। एक लास्ट टॉपिक और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन है ना कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्यों इस्तेमाल करते हैं, समझिए। मेरे को एक क्वेश्चन दिया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कह रहे आपको ढूंढना है फाइंड वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, कह रहे बताइए इसकी क्या वैल्यू होगी। कह रहे अल्फा की पावर 3 बीटा स्क्वायर, बीटा की पावर 3 अल्फा स्क्वायर, ये लिख दिया मेरे को, ठीक है ना। कह रहे इसकी वैल्यू बताइए। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है पॉलीनोमियल जिसका फैक्टर्स मेरे को मिल जाए, है ना, तो मैं जीरोस ढूंढ लूंगा पुट कर देता हूँ। बट अगर एक ऐसा पॉलीनोमियल आ गया जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत है, तो यहाँ लगता है थोड़ा सा दिमाग, है ना। समझो बात को, देखो मुझे पता है कि ये पॉलीनोमियल है, तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जहां भी अल्फा बीटा दिखे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करने की कोशिश करो, और चांस है कि कहीं ना कहीं फिट बैठेगा।
एलिजेब्रिक आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए तुमको इसके लिए ना। मैंने कहा भाई यहां पर देखो, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, इसका एलसीएम ले लूं, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा, बीटा ऊपर मल्टीप्लाई, अल्फा इधर मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा सम ऑफ जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए से ए कैंसिल हो गया, आंसर आ गया माइनस बी बाई सी, सिंपल। तो देखो माइनस बी, माइनस की जगह माइनस है, बी जो है एक्स का कोफिशियंट तो उसका कोफिशियंट वन है, और जो सी है वो भी वन है, तो इसके रूट्स नहीं निकल रहे, जीरो नहीं निकल रहे मेरे से, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पा रहा हूं यूजिंग दीज वैल्यूज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसको और थोड़ा शार्प करेंगे ना, ग्राइंड करेंगे क्वेश्चंस कर करके। इसकी बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन भाई एक्स क्यूब अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां बीटा क्यूब है या बीटा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया, दोनों में एक्सिस्ट कर रहे हैं ना, देखो बीटा स्क्वायर कॉमन आया, अल्फा स्क्वायर कॉमन आया, तो यहां पर एक अल्फा बच जाएगा, यहां पर एक बीटा बच रहा है, घूम फिर के पहुंचना वही है सम ऑफ जीरो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो इसको लिख सकता हूं दोनों का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, तो देखो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो होता है सी बाई ए, है ना, सी बाई ए की वैल्यू कितनी मेरे पास, देखो सी बाई ए, भाई सी है वन ए है वन, तो वन हो गया वन का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कितना है मेरे पास माइनस वन अपॉन में वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, वन का स्क्वायर वन इंटू माइनस वन आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए काम आता है ना, जिसमें मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसके लिए, वरना कहीं कहीं पर ना जीरोस फाइंड करके पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा नहीं है, 25-30 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि चांस है कि आएंगे या फिर उसके जैसे ही क्वेश्चंस हमारे पास आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्चुअली जितना भी था और कुछ क्वेश्चंस वाइज भी मैंने कंप्लीट करा दिया है इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है क्योंकि 2.3 और 2.4 हमारे सिलेबस से डिलीट है, ठीक है ना। तो बस इतना ही है इस वाली वीडियो में आज के लिए, फटाफट नोट करो, मिलते हैं इसके क्वेश्चंस में।